यार मैं तो इंडिया में गर्मी में मर रही हूँ, लंदन अमेरिका जहाँ भी जाए। चलिए जल्दी कीजिए। Who's asking the questions? One year. Okay, चलो जल्दी। Oh, Barracks Forever is a movie in English about the Anglo-Indian community which lives in Calcutta. And there's still a lot of Anglo-Indians who live in Calcutta. And it's the story, fictitious, मतलब ये real characters नहीं हैं, ये सचमुच वहाँ नहीं रह रहे हैं. But there is a place called Bow Bazaar in Calcutta, and in that there is a building called Bow Barracks, which is actually there, which is full of Anglo-Indians who have been living there. वो सालों से वहाँ हैं, मतलब पीढ़ियों से, सालों से नहीं. और ये कहानी का जड़ वहाँ शुरू हुआ जब अंजुन वहाँ गए, अंजुंदा, और एक कॉन्सर्ट के लिए फंड्स, पैसे जमा कराने के लिए, इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए. और वहाँ उनको बताया गया कि कोई डेवलपर इसको डिमोलिश करके यहाँ बहुत बड़ा मल्टी राइज बिल्डिंग. तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, आप कहीं भी चले जाइए, हमको क्या. सो उससे वहाँ बात शुरू हुई, और उस कहानी को लेके उन्होंने ये कहानी बनाई जहाँ ये एलिमेंट है कि ये लोग, जिसमें मेरा कैरेक्टर जो है, जो मेन कैरेक्टर है, उनको कोई परवाह नहीं है. वो कहती हैं कि मेरा बेटा लंदन में है, मतलब लंदन मेरा होम है, इंग्लैंड में, मैं तो वहाँ जाऊँगी. बहुत सारे एंग्लो इंडियंस की ये, इनका एक ख्वाब होता है, यू नो, कि उनका रियल होम विदेश में है. सो वहाँ उसकी कहानी तो वहाँ शुरू होती है. एंड देन देयर आर ऑल दीज फैमिलीज दैट आर स्टेइंग ओवर देयर, एंड इट्स देयर स्टोरी, यू नो, व्हिच इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू द बिल्डिंग, बट ऑल्सो देयर ओन स्टोरीज. माई स्टोरी विद माई सन हु इज़ हियर, अ सन हु इज़ अब्रॉड, हु नेवर कॉल्स मी बैक. आई कॉल हिम एवरी वीक. For 4 years I call him and I keep saying, of course he loves me, and one day he'll send me the tickets and I will go, but he never calls me. So it's sad also, it's funny also. And so there's her story with her son who is here. She doesn't care so much about the son who's here, she's always thinking about the son who's made money and who's in England. Anyway, so there's her, that story, there's the story of many other characters, Victor and Sabyasachi and Neha and all that. So bahut sari kahaniyan hain, and it tells you the story of the building also, but it tells you the story of these people also and their struggle to survive in this building and their struggle in life also and their relationships. Koi ek lady jo apne husband ke sath unhappy hain, uska affair ho raha hai, uske life mein kya hota hai. Neha का हस्बैंड उसको बीट करता है, पीता है, उसको क्या होता है. तो सबकी बहुत, मतलब दिल की कहानियाँ हैं, वेरी वेरी मूविंग स्टोरीज. बट देयर इज़ लॉट ऑफ ह्यूमर, देयर इज़ ऑल्सो सम ड्रामा, बिकॉज समबडी इज समथिंग हैपेंस इन द मूवी, समबडीज डेथ हैपेंस, यू नो, सो इट्स गॉट एवरीथिंग, इट्स गॉट ऑल द एलिमेंट्स.